नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज 27/2/2023 भिवानी अनाज मंडी में भाव दिखावांगे आपने। तो भाई एक दो जगह तुलाई चल रही है। उससे पहले एक बात भाई, एक किसान साथी ने कमेंट किया था कि भाई जो टपका सिंचाई है भाई आप इंजन तभी कर सका कि, तो भाई उस भाई ने बता दिया भाई इंजन तभी हो जाए टपका सिंचाई, तो उसमें सिर्फ अपना एक पंखा बदलना पड़ेगा। जो पंखा अपना एक अलग तो लेना पड़ेगा, वो प्रेशर वाला पंखा हो है भाई, तो फिर कोई दिक्कत को नहीं आवे, उसमें पानी को नहीं कटे है, वो प्रेशर तो भाई पानी आगन है धकेल लगा। तो झिंझर के आसपास भाई अपने कई साथी झिंझर साइड के भी देखे हैं वीडियो, तो आप माने सुनने में मिली थी भाई झिंझर के आसपास चल रहे हैं इंजन पे, तो कई कमेंट में भी लिखियो भाई झिंझर के आसपास के जो किसान साथी भाई अपने तो जुड़ रहे हैं। और भाई साथियों भाई जिस भाई जो भाई अपने चैनल पर नया आया है भाई अपने चैनल ने सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना। तो भैया आड़े तो शुरुआत करांगे, तो सुतरी नरमा है भाई, आ तो नरमा कि में डाउन आ रही है जमा, ये दिखा दिया टॉप क्वालिटी की है, ये देख लो भाई कोई कसर नहीं है, ये भाई तोलन लाग रही है, तो अपनी है या। तो भाई अंकल जी तो बात करांगे एक बार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। और ठीक सो? हाँ। नाम के अंकल जी अपना, मुंह आड़ा आड़ा आगे लगाओ थोड़ा। हाँ। नाम के अपना? शाकू जी। अच्छा गांव कौन सा है? मानेरू। मानेरू। हाँ। अपनी नरमा के भावे की? 7731। तो या टॉप क्वालिटी टॉप बामा जो आपकी आई बेकी है? हाँ टॉप में जाए। या तो फिर और भी डाउन आ गई? हाँ ठीक। या कौन सी वैरायटी थी बहुत सुतरी नरमा ले रहे हो आप? बीज का ध्यान कौन? बीज कौन का ध्यान? हाँ तो सप्रे सप्रे मारी थी? सप्रे दो कर दी थी, दो कर दी, आधा आधा कट्टा डीपी का बोया था। अच्छा शुरू में बोया था बाद में बोया ना? बाद में शुरू को ने बोई। यूरिया बगाई थी? यूरिया को ने बगाई? यूरिया ना बगाई ना, वो नरमा सुतरी है यूरिया कीड़ा बना हुआ है। हाँ काम ने बगाई कोई नहीं, आग डीपी आधा कट्टा बोया था हमने किलो के लिए। अच्छा हाँ दो स्प्रे कर दी थी भाई, आधा आधा कट्टा डीएपी दो स्प्रे। हाँ और ना खूब बात करी इतनी ये एक निदान कर दिया था, दो बराड़ी होमी आड़ी होमी। तो अच्छा कै किले की है? 3.5 किले की। आपके हिसाब में कै एक मन होगी? ये मेरे हिसाब से 10-12 मन किले किले करनी चाहिए। 10-12 मन किले? हाँ बस इसका ये लग रहा है, 2-3 साल हो गए ये लग रहा है। हाँ ये ठीक। और सरसम भी बो रहे हो? हाँ सरसम की में नुकसान है? सरसम आपने कोई नुकसान से पानी वाली है कि? पानी की। हाँ अच्छा बिरयानी में तो है पूरा? हाँ बिरयानी में नुकसान हो रहा है। चलो ठीक है जी। ठीक तो आप भी नरमा ले रहे हो? अच्छा इनका साथ हो? चलो ठीक है जी। आपका शुभ नाम? मनवीर। मनवीर मनवीर। अच्छा गांव? मानेरू। मानेरू। हाँ ठीक चलो ठीक है जी। ले भाई आड़ा देखांगे भाई साहब, जमींदार कौन की आड़ा है? ये तो भाई व्यापारियों की लागे है, कोई जमींदार नहीं है। तो तुलाई की शुरुआत कर दी भाई? अच्छा हाँ भाई साहब। अच्छा सरसम की तुलाई होगी? नहीं 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 नई सरसम। अच्छा चलो ठीक है भाई, धन्यवाद भाई। हाँ सारी पिचकर ले ली भाई तारी। ठीक है हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। तो भाई नई सरसम आ रही है इन भाइयों ने बताई भाई, तो देखांगे एक बार के कुछ बेकी है नई सरसम, कई साथी पूछे थे तो भाई नुए पता चल है घूम फिर की भाई एक जगह तो देखो कोई हर एक आदमी तो बातचीत करनी चाहिए घूम फिर की, कोई ना कोई तो बढ़िया जानकारी दे दे है। तो भाई इन मजदूरों तो बात हुई तो ये कह रहे भाई नई सरसे मारी है देखांगे। तो भाई यह डेरी है नई, और भाई अरे किसान भी बैठे हैं उन तो ही बात करांगे एक बार, तो एक बार सरसे में दिखा दें अपने लगभग भाई यह पहली डेरी दिखा है या दिखा दें या। तो आपकी सर से मत आओ। हाँ आड़ा ही बैस रखो ताऊ। ताऊ राम राम। राम राम भाई ठीक से? हाँ ठीक। के नाम ताऊ अपना? जलेश सिंह।
अच्छा गांव कौन सा है? जाटुलवारी। जाटुलवारी हाँ। तो सब तो पहला मोर्चा मार दिया। हाँ, मार दिया भाई। हाँ, सब तो पर, कभी सब तो पर ले आए थे मंडी में। अच्छा हाँ, सब तो पर कपास ले आए थे। एक बात है, तू और लोग आने मारेगा और सब तो पहला काट की खड़िया हो जाए है पांच फिर दूसरा गोली हो जाए यो काट ले गया कई बके हो अगर है लामणी करा हाँ कोई पड़ोसी पहला गेहूं काट ले जा तो फिर जीने बच जाए है वो काट ले गया वो तो फर्क पड़े पड़े तो ये जीने ना बचा अगर ना को नहीं बताऊं सब तो पहला काट के लेता का से तेरी बात मान लेंगे काट कर जाएगी और के तो नु बता बेकली हां बेकली के बाबे की ये करा भाई 100 काट भी पांच तो पांच तो सौ हाँ। तो इसका मतलब तो पुरानी भी है बेकन लाग रही है पुरानी तो इसमें 4900 आज तो सुखी उस तो भी पुरानी तो गणी सुखी से अच्छा और तेल पूरा बता के बात है के इसे के तू आग में सुखा के ले रहा जमा मन में बेरा कोनी मत खूब सुखा के 10 दिन की तो माइक ने थोड़ा दो रही राखो हां हां के है 10 दिन 10-15 दिन तो कठिन होएगी अच्छा हां फिर मगा भाई कदे आली ना रखड़वाओ उड़े खाम खाई पा मारने पड़े सुखा के लेता ल मंडी में बा किमी हो तो ये 4900 बेगी हाँ तो सही बेक रही है फिर ये पुरानी भी ये बाजा है उनका तो जे आपा ने बेरा क्या नंबर दुकान पर ले रहे हो आप ये देख दे नंबर अच्छा 76 पे हाँ ठीक नवीन ट्रेडिंग कंपनी हाँ लगभग पूरी मंडी में पहली डेयरी होगी हाँ पहली नहीं हाँ नहीं पहली तू तो चाड़े पाड़ा ताऊ हाँ ठीक है चलो ठीक है ताऊ तो एक बार भाई इन तौर बात करांगे राम राम भाई साहब राम राम भाई तो आपकी है सरसम ताऊ की इकट्ठे हाँ, हो आप हाँ, तो भाई साहब कौन सी वैरायटी थी 45-40 हाँ, क्या पानी लगाए थे इसमें 1 लाख गया अच्छा एक डाडा की मार को नहीं हुई इसमें डाडा की मार कम है थोड़ा माइक ना दो रहे सी आवाज साफ आ कम से थोड़ी डाडा की मार कम से हां तो नुकसान हाँ, तो है नुकसान है तो कितनी औसत होगी या 20 मन की औसत पावर 21 मन की औसत है ठीक और कि मैं पहला के बोरिया क्या था इसमें बाजरा बाजराली में है हां बाजरा फिर तो ठीक लग रही है फिर हां खेल हां बाजराली धरती में के हाँ। के गिर रहा था इसमें यूरिया थी और डीएपी सल्फर अच्छा पहले बान में गिर दिए थे हां बान में डीएपी कितना हाँ। डीएपी कितनी गिरी है किलो में एक कट्टा डीएपी का एक यूरिया का एक सल्फर का हां सल्फर कितनी 4 किलो कितनी वो पैकेट सल्फर नहीं सुपर एसएसपी हां उसका कट्टा ठीक जो है अच्छा चलो ठीक है जी तो भैया डेरी भाई 4900 रुपये बिक रही है तो कई साथी पूछे थे भाई नई डेरी के बाबे का है तो भैया ठीक सूख रही थी बतावे है 15 दिन हो गए काटी तो बता दें भाई आपने 4900 रुपये बिकी है भैया और आगे देखांगे मंडी में घूमांगे फिरांगे जब मेरा पटेगा भाई ले भाई ये गेहूँ और दिखा दिया ये बेक लिए हैं ये भाई इनका जार लागन लाग रही है पंखा के लिए ये देख लो ये गेहूँ आई क्वालिटी दिखा दिया हाँ ताई तू तो पूरी मत कर रही है और के इस उम्र में भी भाई अपना काम करने लाग रही है सही बात है ताई ताई रोटी क्या तक दें दे रोटी क्या देखो दें दे के बेरा है नुका है बहुत खराब आ रही है अच्छा और इबा तो तू कमावा है और अपन चिंता है कोनी ओए ना काम करी जाता इतना आता हम जान है इतना है और के तो एक बार भाई तो पूछेंगे क्या ला भाई साहब बढ़िया भाई नरेंद्र क्यों के बाबे के 2202 बोली लागी थी बोली लागी थी अच्छा के बात मंदा है कि मामा मंदे चलो ठीक है भाई साहब ठीक है भाई नरेंद्र तो भाई ये गेहूँ 2202 रुपये बिके हैं और गेहूँ सुतरे होने तो भाई 2500 ते भी बिक जाए हैं बढ़िया गेहूँ तो ये बाग देखांगे ये सरसम तुलन लाग रही है एक जगह और याड़ा और नरमा तुलन लाग रही है ले भाई या और दिखा दें एक बार तो किसान कौन है इसका अच्छा क्या ला भाई साहब अरे भाई के क्या इन्हें बंद कर ले भाई तेरे फोन ने और के और
बिल्कुल ठीक सा भाई। नाम क्या है अपना? नाम तो जितेंद्र है भाई। गांव कौन सा है? गांव रणिल्ला भाई। अच्छा सरसम या नरमा बेच दी? बिकी भाई। के बा बिकी? यह बिकी 7731 रुपये। 7731। और ठीक से? बिल्कुल ठीक है। मंदा हो गया नरमा में? हो रहा होगा भाई। हो रहा होगा। तो कह किले ही दिया? या तो 6 किले ही थी भाई। अच्छा औसत कम ही है। चलो ठीक है भाई। ठीक है धन्यवाद भाई। ले भाई पंडित जी से बात कर रहे हैं घने दिन में फिटिया है। ठीक है। हाँ राम राम पंडित। राम राम भाई। राम राम। माइक ने थोड़ा आवाज आ। और ठीक सो? हाँ ठीक ठाक। सेहत बहुत बार। नरमा के करवा दिया आपने? नरमा मंदियारी भाई। अच्छा मंदियारी है। हाँ नरमा मंदी से। तो आज ऊपर में या डेरी बिकी है 7731 बजे बिकी है। 7731 की बिकी है। बढ़िया डेरी थी और मंदिर बाजार से। और मंदिर रहेंगे? अच्छा और मंदिर रहेंगे। और मंदिर के बाजार। तो किसान जो आस लगाई थी वह पूरी? नहीं निवास नहीं है। और देसी कपास का क्या बाजार है? देसी कपास 9600-9700 रुपए है। अच्छा या भी डाउन आ गई? या भी डाउन आ गई है। या देसी कपास का यूज तो लगभग होना था वो नहीं जाएगा? अच्छा हाँ अभी तो गर्मी आ गई ना। यूज बहुत कम हो है। और गेहूं का के बाजार चल रहा है? गेहूं 2250 से लेके 2300 रुपया थी। 2300 एकदम तो 2500 वो घने बढ़िया गेहूं थे। अच्छा घने बढ़िया है। तो आज भी बढ़िया आ जाए तो बिक जाएंगे? 2300 बिक जाए। अच्छा बाजरा का के बाजार चल रहा है? बाजरा है 2050 रुपये। अच्छा 2050। ठीक आले भाई वो तो माल के हिसाब से ऊपर नीचे है। तो आज गुवार का के बाजार रहा है? गुवार देखो 2350 रुपये बिका है। 5350 रुपये। 5350 ऊपर का भाव? ऊपर का 5350। अच्छा और मेथी का के बाजार? मेथी है 5400-5500 रुपये। 5400-5500। हाँ बढ़िया मेथी। अच्छा और मूंग का के बाजार है? मूंग तो ये है 6000-6500 रुपये है। 6000-3000 तो लेगी? 6000-6500। हाँ और जो का के बाजार है? जो भी का है 2500-2600 रुपये। 2500-2600 रुपये। ठीक और खड़ का के बाजार चल रहा है? खड़ है जी 3150 तो लेके 3250 रुपये। अच्छा और बिंदोड़ा? बिंदोड़ा है 3500 रुपये तो लेके 4000-4200 रुपये। और सरसम का के बाजार रहा? सरसम भी मंदी है। के बाजार सरसम है 4849 रुपये। 4849 जो 35 किलो की डेयरी है उसका 35 किलो की 5000 रुपये ऊपर बस। 5000 रुपया। ठीक तो संभावना लग है कि मैं सरसम में मार दिए सरसम नरमान है तो लोगों ने बहुत नहीं संभावना है ज़्यादा तेज ऊँध रहे थे इतना तेज वाली बात नहीं थी। ठीक कपास है वो तेज हो गई थी वो बाहर नहीं थी इतने 10000 के बाहर नहीं थे वहाँ कपास के। चलो ठीक है पंडित जी धन्यवाद। ओके बस। ले भाई याद दिखा दें देसी कपास की डेरी आ रही है और ये देख लो तो या इसका भाव बता दें 8800 रुपये बिकी है भाई आज या मंडी में। तो आपका गांव कौन सा है? कौन सा गांव तैयारी हो या? ये ले तो रहे हैं बड़ी जाली थे। अच्छा हरसा खनेटी के। अच्छा और बोरे अंदर थे। अच्छा बोरे हो? हाँ ठीक खरेटी के हो आप? खरेटी के कड़े सी पड़ा है यो 11 लाख मारे तो रहे। अच्छा बड़ी जाली कितने किले ले रहे हो आप? 70 ले रहे हैं। 70 किसी धरती है? बढ़िया धरती बालू की है के उन दो मट मिट्टी है? दो मट मिट्टी भी है बालू भी। पानी की साक्ष है? पानी नहर का बहुत है। नहर का? और के रेट होंगे उड़े बलियाली की? रेट तो न तो किले के किमे 40 में ले रखी है। 40 लाख रुपए किला? 40000 रुपए किला। अच्छा ठेकन ले रहे हो? ठेकन है। अच्छा मोल कौन ले रहे? ना। अच्छा फिर आड़ा बलियाली रहो? नाड़े खेत में रहा। अच्छा 40000 रुपए किलो महंगा है? 40000 रुपए किलो ठेका? फिर कि मैं या सरसमाली है ना या मंदी ले रखी है। अच्छा हां दानून भी वो हो गए और सारी मदान हो है दाना कारण इतना तेज रेट है? हां अच्छा तो या कितनी लकड़ी आई आपके? या देख लो हमारी थी या कितने में थी? या देसी? हां देसी के तो 3-4 किले 3 किले थे। या सारी यही है देसी है या है वो तो दूसरी वो या 3-4 किले की है और थोड़ी लकड़ी? थोड़ी लकड़ी। चलो थोड़ी लकड़ी देसी। ठीक ठीक है जी। हाँ तो भाई उगवार दिखा दें। हाँ और फिर किसान तो बात करांगे बिक लिया है भाई। तो बाजरा भी आ रहा है भाई दो डेरी और यो इसका भी आप पूछांगे। पहले भाई किसान साथी बैठे हैं तो इनसे बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। माइक पकड़ियो भाई एक बार तो
थोड़ा मुंह का दौरा है कि साफ आवाज आ जाए, फिर नुकोगे साफ आवाज गुनी आई। तो नाम क्या भाई साहब? जयवीर। जयवीर, गांव कौन सा है? नौगी डैणी। अच्छा, नौगी डैणी। तो गुआर था अपना? हां गुआर है। के बाबे क्या? 5105 रुपये। यो नया गुआर है? हां नया है, इबका। इबका तो वैसे यो बारिश थोड़ा बहुत, यो थोड़ा मोड़ा नॉर्मल है यो। अच्छा, और के ले रही थी? बाजरा ले रही थी। बाजरा, बाजरा के बाबे क्या? बाजरा तो मुग में करया है। कितना? 2000 रुपये। ये है 2000 को, 20 को, 2000 था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बिक गया है। हाँ, और के था आप? और किमी को नहीं, शेरशम तो पहला है दे दी, क्यों वो कर रहा है? एक काउंटर था, क्यों वो कर रहा है? नहीं, शेरशम के बाबे की अपनी? शेरशम का बार ना करया। अच्छा, कौन ही करया? चलो ठीक है भाई साहब। गुआर की कौन सी वैरायटी थी? तो गुआर की कौन सी वैरायटी थी? 306। तो यो किसी की वैरायटी है या? वैरायटी बढ़िया है, ठीक लग रहा है गुआर। हाँ, ठीक लग रहा है। कितनी औसत है इसकी? यार नो लगा लियो, 10 मन का लगभग बैठी है। 10 मन का? हाँ, बढ़िया लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। तो बीज कर दे लिया था? बीज तो बैठने ते लिया था। बैठने ते लिया था, चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई आपने बता दिया भाई, ऊपर में गुआर 5385 रुपये पे क्या है, और आगे देखेंगे और के कुछ आओगा भाई सेमी, तो आगे चलेंगे। तो वो एक भाई ये घी ओरगन लाग रही हाड़ा बेक लिए दिखे हैं, एक बार अपना दिखा दिया। हाँ, फिर भाव पूछांगे। ये देखो भाई, तो भाई ये ताऊ तो पूछांगे। ताऊ का ध्यान ले ले। ताऊ राम राम। राम राम भाई, क्या हाल ताऊ? बढ़िया, मौज मौज। ठीक से? ठीक। नाम क्या ताऊ अपना? काम तो भाई जमींदार का है। ना नाम, नाम नाम बस्ती राम। बस्ती राम। हाँ जी। अच्छा, गांव कौन सा अपना? गांव जी दिनोद। दिनोद। हाँ, गेहूं ले रहे थे? हाँ गेहूं ले रहे थे। बेक लिए? बेक लिए। के बाबे के? 2300। 2300। हाँ ठीक, रखे रहे थे थोड़े बहुत है? हाँ रह रहे थे भाई। अच्छा, सरसम सरसम बेच दी? ना सरसम भी रह रही है। सरसम तो डाउन आ गई था? वो डाउन आ गई तो भाई सरकाओ ऊपर ने 40 तारीख के हो 40 तारीख के हो आले भाई, अपना हाथ में तो कोनी ना है। और नरमा भी गिर रहे हो? ना नरमा तो कोनी, बेच दी थी? बेच दी। अच्छा, चलो ठीक है ताऊ। ठीक भाई। भैया सरसम और देखांगे या बेकली दिखा है, जब बेकर टाइम गलन लाग रही है भाई साहब अपनी है के सरसम? तो भाई किसान तो बात करांगे एक बार। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भाई, माइक पकड़ियो भाई एक बार। और नाम के भाई अपना? नाम मनोज है भाई, कितलाना गांव है। कितलाना। माइक ना थोड़ा दूर है, आवाज साफ आ जाए। अच्छा, सरसम के भाव की? 5050 रुपये की है भाई। अच्छा, कितना के तेल था इसमें? तेल है भाई फुल है, 40 लैब्स है। 40। अच्छा, फिर तो 5050 से 35 किलो तेल की। हाँ, टॉप के। कौन सी वैरायटी थी? या से पेनियर की है। 45-46। ठीक। तो के बात थोड़ी है कि में? ना बस ये लेके इतनी आए थे। अच्छा, और बेच दी के? ना पड़ी है करना, के करना तो जरूरत का हिसाब से ले आओ। जरूरत की, जरूरत थी पैसे लेनी पड़ा। हाँ, सही बात है, देखो जमींदार ना तो यो काम है भाई, यो है भाई, ये तो पैसे जरूरत हो जिदाने ठगी लेने पड़े। हां सही बात है। आगे भी सरसम बोरे हो? बोरे हैं भाई। किसी से? बढ़िया बढ़िया। पानी आ रहा होगा? 50% उजाड़ सर, जड़ा मार रहा है भाई। हाँ, बरानी ने घना मार रहा है ना, पानी वालियां भी मार रहा है। हाँ, पानी वालियां भी नुकसान है कई जगह। सही बात है, 50% उजाड़ है भाई। ठीक, चलो ठीक है भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों भाई, लगभग पूरी मंडी का दौरा लगा लिया। तो भाई गुआर भी आ रहा था, और भाई आज देसी की डेरी भी आ रही थी, नई सरसम भी आ रही थी। तो साथियों, ये थी आज भिवानी अनाज मंडी के भाव की वीडियो। और भाई अपना चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो भाई, जो भाई अपना चैनल पर नए आ रहे हैं, और घंटी का बटन दबा देना भाई। नमस्कार।